नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। उल्लासनगर महानगर पालिका के द्वारा चुनावी आचार संहिता में बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी महानगर पालिका का अवैध निर्माणों पर जमकर हथौड़ा बरसा। इस कार्यवाही में उल्लासनगर एक नंबर और दो नंबर में बने अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की गई। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का फायदा उठाते हुए उल्लासनगर एक नंबर से पाँच नंबर तक काफ़ी अवैध निर्माण बने, जो अवैध निर्माण अब बनकर तैयार हो चुके हैं। इन सभी अवैध निर्माणों की सूची मुकादमों ने उपायुक्त संतोष देहकर और अवैध निर्माण निष्कासन प्रमुख गणेश शिम्पी को सौंपी है। इस सूची के आधार पर सहायक आयुक्त गणेश शिम्पी ने अपने लाव लश्कर के साथ दर्जनों अवैध निर्माणों पर जमकर हथौड़ा बरसाया है। ऐसे माना जाता है कि शहर में ज्यादातर अवैध निर्माण राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ता और शहर के राजनेताओं के लोग ही कर रहे हैं। जिन अवैध निर्माणों पर हथौड़ा बरसाया गया है उसमें धोबी घाट, महादेव कंपाउंड में बने शेड, तेजुमल चक्की के पास बनी तीन दुकान, आजाद नगर में तीन दुकान, बैरिक नंबर 841 और 1745, इन ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। सहायक आयुक्त गणेश शिम्पी के इस कार्यवाही के चलते अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। इस मामले में गणेश शिम्पी ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के वक्त जो उल्लासनगर महापालिका के अधिकारी कर्मचारी उस चुनाव की ड्यूटी पे थे, इसलिए वो शहर में बहुत जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसी हमको खबर मिली थी। लेकिन चुनाव के वक्त हम कार्रवाई कर नहीं पाए जो इलेक्शन में बिजी होने के कारण। अभी जो सब स्टाफ इलेक्शन से रिलीव हो गए, इसलिए आज से जो हर एक प्रभाग समिति में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए है उसके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी गई है। उसी तहत आज प्रभाग समिति एक और दो में 12 बांधकाम, प्रभाग समिति दो में दो बांधकाम, ऐसे कार्रवाई महापालिका की तरफ से की गई है।
और ये कार्रवाई चालू रहने वाली है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।